गुड मॉर्निंग क्लास, 11th क्लास है बच्चों। हम आपको काव्य खंड से पाठ 3 तुलसीदास पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने तुलसीदास का जीवन परिचय और भरत महिमा के कुछ दोहे पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको उसके आगे से पढ़ा देते हैं। ये 5वां दोहा है। भरत ही होई न राज्य मधु, विधि हरि हर पाई पद पाई, कबहि की कबहु की काज सिकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। यहाँ पर भरत राम को मनाने के लिए सेना लेकर चित्रकूट में आए, तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि भरत संभवतः राम को मारकर अब सभी जो राज्य है वो अपने नाम करने के लिए आए हैं। उन्होंने जब यह आशंका राम को बताई तो भरत के शील की प्रशंसा करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, मुझे पूरा विश्वास है कि भरत को कभी भी राजमद भला नहीं हो सकता। उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश का सर्वोच्च पद क्यों ना प्राप्त हो जाए, पर उन्हें कभी भी राज्य की जो इच्छा है, जो उनकी लालसा है, वो कभी राज्य के प्रति नहीं होगी। राम कहने लगे कि मुझे भरत पर पूरा विश्वास है, वे उन लोगों में नहीं हैं जिन्हें पद मिलने पर अभिमान हो जाए। भला बताओ कि खटाई कि कुछ बूंदे क्या क्षीर सागर को नष्ट कर सकती है। मतलब कि कोई खट्टी चीज़ें अगर सागर में मिला दी जाएं तो क्या उसका जो खट्टापन है वो ख़त्म हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि अयोध्या का राज्य तो भरत के लिए एक तुच्छ वस्तु है। इस तुच्छ राज्य को पाकर भरत जैसे महान एवं सात्विक चरित्र वाले व्यक्ति में अहंकार नहीं आ सकता। इसलिए तुम्हें भरत के संबंध में अपनी सभी आकांक्षाओं को दूर करना चाहिए, क्योंकि भरत को कभी भी अपने राज्य पर घमंड नहीं होगा और वो मुझे यहाँ पर मारने नहीं आ रहा है। तिमिर तरुण तरिणी मुख गिलाई, कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो रहा है। तिमिर तरुण तरिणी मुख गिलाई, गगनु मगन मुक्की मेघी मिलाई, गोपद जल बुड़नी घटजोनी, सहज क्षमा बरु छ्याड़ी छोनी, मशक कूक मकु मेरु उड़ाई, होई न निप्र मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपत पितु आना, सूचि सुबंध नहीं भरत समाना, सगुन खीर अवगुन जलुताता, मिलही रचाई पर पंच विधाता, भरत हंस रबि बस तड़ंगा, जन्म ही कीन्ही गुण दोष विभागा, गही गुण पाए तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी, कहत भरत गुनी सील सुभाउ प्रेम पयादि मगन रघु राव। यहाँ पर राम अपने भाई लक्ष्मण की आकांक्षाओं को निर्मूल बताते हुए कहते हैं कि संसार में चाहे असंभव भी संभव हो जाए, पर भरत को कभी राज्य का अहंकार नहीं होगा। भरत को कभी अपने राज्य पर अहंकार नहीं होगा। मुझे भरत के सील और उसके ऊपर पूरा विश्वास है। भरत जैसा भाई मिलना बहुत ही कठिन है। श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए भरत के बारे में अपने विचार व्यक्त करने लगे और कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, तुम्हारी जो आकांक्षा है, जो तुम्हारा डर है, वो बिल्कुल गलत है। भरत को कभी भी राज्य का घमंड या अहंकार नहीं होगा। भले ही इस संसार में असंभव कार्य संभव हो जाए, अंधकार दोपहर के सूर्य को निगल ले, आकाश बादलों में विलीन हो जाए तथा गाय के खुर से बने गड्ढों में समुद्र को पी जाने वाले अगस्त मुनि भी
उसमें डूब जाएं तथा सहज की क्षमावान पृथ्वी अपने क्षमाशील को त्याग दे, फिर भी भरत को कभी राज्य मद नहीं हो सकता, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मतलब कह रहे हैं भरत को, लक्ष्मण को समझाते हुए श्री रामचंद्र जी, कि इस संसार में जो असंभव कार्य है, जैसे कि दोपहर को अंधेरा हो जाए, आकाश बादलों में छुप जाए, और जो ऐसे बहुत सारे चीज़ जो इस संसार में असंभव से हैं, वो सब कुछ संभव हो सकते हैं, पर भरत को कभी भी राज्य मत या फिर राज का घमंड नहीं हो सकता। संसार में चाहे कुछ भी असंभव कार्य संभव हो जाए, पर भरत को कभी राज्य का घमंड नहीं हो सकता, मुझे भरत पर पूरा विश्वास है। राम पुनः कहने लगे, चाहे प्यार की फूंक से समेरु पर्वत उखड़ दिए जाए, पर भरत को राज्य का घमंड नहीं होगा। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध एवं पिता की आन देकर कहता हूँ कि भरत जैसा अच्छा भाई इस जगत में मिलना असंभव है। भरत तो सूर्यवंश रूपी सरोवर के हंस हैं, जिसमें जन्म लेकर गुण दोष को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे कि हंस को दूध और पानी एक साथ करके दे दिया जाए तो वह दूध को अलग और पानी को अलग कर देगा, उसी तरह भरत भी उसी हंस के समान है जो अपने गुण और दोष को अलग अलग कर देते हैं। तो मुझे भरत पर पूरा विश्वास है कि उन्हें कभी भी राज्य का घमंड नहीं हो सकता। भरत के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते समय राम प्रेम सागर में निर्मग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की इस पवित्र वाणी को सुनकर, भरत पर उनका स्नेह देखकर देवगण राम की सराहना करते हुए कहने लगे कि प्रभु राम के समान कृपा का भंडार भला और कौन कर सकता है। अगला है, सुनी रघुबर बानी विभूधि, देखी भरत पर हेतु सकल सराहत, राम सौ प्रभु को कृपा ने केतु। जो जो न होत जब जग जन्म भगत भरत को, शकल धर्म धुर धरनी धरत को, कभी कुल अगम भरत गुन गाथा, कौ जनाही तुम बिनु रघुनाथा, लखन राम सिए सुनी सुरबानी। अति सुखु लेहू न जाई बखानी, इह भरतु सब सहित सहाया, मंदाकिनी पुनीत नहाया, सरति समीप सखी सब लेगा, मागी मृत्यु गुर सचिव नियोगा, चले भरतहु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नदु लव भाई, समझी मृतु करतब सकुचाही, करत कुरतरह कोटि मनमाही, राम लखनु सिया सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनंत जिह तजिठाहू। यहाँ पर लक्ष्मण जी को यह आशंका हुई कि कभी कहीं भरत सेना सहित हमें अकेला समझकर हमारे ऊपर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे। तब राम ने उन्हें भरत के शील आचरण सात्विक प्रवृत्ति के बारे में समझाया और भरत के गुणों एवं शील स्वभाव का वर्णन करते हुए उन्हें आश्वासन दिलाया। श्री राम का भरत के प्रति सात्विक प्रेम देखकर देवता भी भरत के आचरण की प्रशंसा करने लगे। उनकी वाणी सुनकर राम, लक्ष्मण और सीता अत्यंत सुखी हुए।
इस अवतरण में इसी वृतांत का वर्णन प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है कि देवगण कहने लगे कि यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर धर्म की धुरी को कौन धारण करता। हे राम, कवियों के लिए अगम्य भरत के गुणों की गाथा आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है। देवताओं की इस वाणी को सुनकर राम लक्ष्मण और सीता को अपार सुख प्राप्त हुआ। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया और नदी के समीप सभी लोगों को ठहराकर वे माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर निषाद राज एवं शत्रु के साथ को साथ लेकर वहाँ को चल पड़े जहाँ सीता के साथ श्री रामचंद्र जी का निवास है। अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर भरत जी मन ही मन संकुचा रहे हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हुए और सोचते हुए कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मेरा नाम सुनकर मुझसे घृणा व्यक्त करके प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर कहीं और ना चले जाए। मुझे माता के मत में सहगमी मानकर वे जो कुछ भी करें वह थोड़ा ही है, किंतु यदि उन्होंने मुझे अपनी ओर समझा तो निश्चय ही वे मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा कर मुझे स्नेह अवश्य देंगे। तो यहाँ पर भरत को डर भी लग रहा है कि कहीं मेरा नाम सुनकर राम, सीता, लक्ष्मण अपना निवास कहीं और ना बना ले, मुझसे घृणा ना करने लगे, मुझसे नफरत ना करने लगे। यहाँ पर भरत के उत्तम आचरण की प्रशंसा देवगणों ने भी की है। भरत के मन में अंतर्द्वंद उल्लेखनीय है। भरत और राम का स्नेह अनुकरणीय है। भाषा है अवधि और दोहा तथा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। अगला है मातुमते महु मनी मोही जो कुछ करही सो थोरा अग अवगन अवगुन छमी अदरही समझू अपनी मोरा जो परही मलीन मनुजानी जो सन्मानी सेवक मानी मेरे शरण राम ही को पनही राम सुस्वामिनी दोषी सब जनही जग जस भाजन जातक मीना नेम प्रेम निज निपुन नवीना अशमन गुनत चले मग जाता सकुच स्नेह स्थिल सब गाता फेरती मनहु मतु कृत खोरी चलत भक्ति बल धीरज धोरी जब समझुत रघुनाथ सुबाहु तब पथ परत उतलाही पाऊ भरत दशा तेहि अवसर कैसी जल प्रवाह जल अली गति जैसी देखी भरत कर सोचहि स्नेह भा निषाद तेहि समय विदेही। यहाँ पर भरत जी सोच रहे हैं कि चाहे राम मुझे मलिन अर्थात बुरे मन वाला समझकर मुझे त्याग दें या सेवक समझकर मुझे सम्मान दें, हर हाल में मेरे लिए तो उनके चरणों में ही शरण लेना है। राम समर्थ स्वामी हैं, जो कुछ दोष है वह तो इस भक्त का ही है। इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नवीन बनाए रखने में निपुण हैं। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए भरत मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सारे अंग संकोच और प्रेम से स्थिर हो गए हैं। उनकी माता कैकेयी ने जो गलती की है उसके कारण उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, किंतु धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के वंशीभूत होकर आगे बढ़ते हुए जाते हैं और
जब वे राम के भक्त वात्सव स्वभाव पर विचार करते हैं तो उनके पैर उतावली के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। मतलब एक तरफ तो भरत को लग रहा है कि उनकी माता ने जो गलती की उस कारण उन्हें थोड़ा सा संकोच हो रहा है जाने में, पर फिर जब उन्हें राम के स्वभाव और उनकी भक्ति की भावना उनके मन पर विचार करती है तो उन्हें लगता है कि राम तो इतने मतलब उनका तो हृदय इतना विशाल है तो वो मुझे माफ़ अवश्य कर देंगे, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। उस समय राम भरत की दशा ऐसी है जैसे जल के प्रवाह में भरत की गति होती है, जैसे जल के प्रवाह में भंवर की गति होती है उसी तरह भरत की भी दशा है। भरत जी का सोच और दुख देखकर निषाद राज जी अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर जैसे विधवा हो गए हैं। अस्तु भरत जी राम के पास पहुंच गए और राम ने बड़े ही प्रेम से उनका आलिंगन किया और श्री राम बड़े ही प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर वे निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। तो यहाँ पर सभी जब भरत जी राम के पास पहुंच जाते हैं तो जो भी दोनों के मन में जो ये रहता है, जो भी उनके अंदर चल रहा होता है, उनके विचार होते हैं कि कहीं मुझे, भरत को लगता है कि कहीं मुझे मेरी माँ से, माँ को किया हुआ जो माता कैकेयी की जो गलती है तो हो सकता है कि मुझे ना पहचाने। मुझे पता चलता है कि भरत आ रहा है तो वो अपना स्थान छोड़कर चले ना जाएँ। इसका ये सब जो विचार था वो जब मिलते हैं सब चारों भाई आपस में तो उनके सभी जो बुरे विचार होते हैं वो दूर हो जाते हैं और सभी भाई आपस में प्रेम से गले लगाकर एक दूसरे से मिलते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।